अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सद्री व यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह हम किताब अल अर्बऊन नबविया में से हदीस नंबर 15 का मुताला करेंगे। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत व मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकरिम जारहु वमन कान युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकरिम ضيفहु रवाहु बुखारी व मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बर्वी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो उसको चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे, और जो शख्स अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने पड़ोसी की इज्जत करे, और जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे। आइए इस हदीस को अरबी में सुनते हैं। आदाबुल इस्लामिया फलयकुल खैरन औ लियस्मुत वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه। इस हदीस में हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन चीजों को ईमान का हिस्सा बताया। ईमान सिर्फ दिल में किसी चीज को मानने का नाम नहीं होता, बल्कि दिल में ईमान इकरार की शक्ल में, जबान से उसके इजहार की शक्ल में और फिर अमल से तस्दीक की शक्ल में होता है। यानी इंसान को जो बात वो दिल में सच्ची समझता है फिर उसकी जबान भी उसके मुताबिक बोलती है और उसका अमल भी उसके मुताबिक होता है और होना चाहिए। अगर दिल और जबान में या जबान और अमल में तजाद हो, कंट्राडिक्शन हो, तो ये इंसान के हक में नुकसानदेह होता है। इसी चीज़ का नाम भी मुनाफिकत होता है। हम आमतौर पर जब ईमान का जिक्र करते हैं तो सिर्फ अल्लाह पर, फरिश्तों पर, आखिरत पर, किताबों पर, रसूलों पर, तकदीर पर ईमान लाकर बात खत्म कर देते हैं। ये सब कुछ तो ईमान के पिलर्स हैं ही, लेकिन जो इन पर ईमान लाए उनको कुछ और भी करना है और कुछ चीज़ों को छोड़ना भी है। करने की चीज़ें भी बहुत सी हैं और छोड़ने की भी बहुत सी हैं। तभी इंसान के अंदर इत्तेदाल पैदा होता है कि करने के कामों को करे और छोड़ने के कामों को छोड़ दे। इस हदीस में हमें पता चलता है कि अगर कोई शख्स ईमान का दावा करता है और कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मोमिन हूँ, तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी ज़बान का इस्तेमाल भी ठीक करे और उसे चाहिए कि अपने आसपास के लोगों से अपने ताल्लुकात और मामलात भी दुरुस्त रखे। ख़ुसूसन यहाँ दो लोगों का जिक्र किया गया, उनमें से एक पड़ोसी जो साथ रहते हैं और दूसरे जो कभी कभार मुलाकात के लिए आते हैं, यानी मेहमान। जहाँ तक पड़ोसियों का ताल्लुक है तो उसमें तीन किस्म के पड़ोसी होते हैं। एक वो जो इंसान के साथ उठते बैठते हैं, जिसको कुलीग्स कहा जाता है, दोस्त कहा जाता है, साथी कहा जाता है, जो मिल के काम करते हैं। दूसरे वो जो हमारे घरों के साथ आसपास होते हैं, यानी मुस्तकिल पड़ोसी होते हैं, जिनमें दाएँ हाथ, बाएँ हाथ, सामने, पीछे 40 घरों तक का अंदाजा लगाया गया है। और तीसरे वो जो पड़ोसी होते हैं लेकिन मुस्लिम नहीं होते, मगर उनका भी हम पर हक होता है। तो आइए इस हदीस की तफसीलात देखते हैं। हम देखते हैं कि हदीस और तरीक़ों से भी रिवायत हुई है और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहमानदारी की तारीफ भी की है और उसकी लिमिट भी बताई है कि कब तक कोई शख्स मेहमान कंसिडर किया जाएगा और उसके बाद वो घर के फर्द की तरह होगा। सबसे पहली बात यह है कि जो शख्स ईमान लाए उसे चाहिए कि अच्छी बात करे। तो अच्छी बात जो होती है वो दो तरह की होती है, क्योंकि हुक्म दिया गया कि अच्छी बात करे या खामोश रहे। अच्छी बात की पहली किस्म यह है कि वो बात अपनी जात में अच्छी हो, एक सिर्फ अच्छी हो। जैसे अल्लाह का जिक्र है, इंसान तस्वीर पढ़ता रहे, दुरुश पढ़ता रहे, कोई भी जिक्र करे, कुरान मजीद की तिलावत है, किसी को अच्छी बात की तालीम देना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये सब कुछ बजाते खुद इट्सेल्फ अच्छी बात है। और दूसरी खैर होती है अलखैर लिगैरिही, कि बात बजाते खुद तो इतनी अच्छी नहीं है, यानी इसके बराबर नहीं कि जो अल्लाह का जिक्र है या कुरान की तिलावत के बराबर भी नहीं है, लेकिन वैसे अच्छी है क्योंकि वो जिस तरीके से की गई है, जहाँ की गई है, उससे किसी को फायदा पहुँचा। मिसाल के तौर पर आप किसी शख्स से उसका हालचाल पूछते हैं, थोड़ा सा उसके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, अब उसका दिल अच्छा हो जाता है, उसकी बहशत दूर हो जाती है, उसका दिल खुश हो जाता है। तो अब आप देखिए कि मसला आप कहते हैं कि आपका क्या हाल है, आप अच्छे हैं, अभी कोई जिक्र तो नहीं है, अल्लाह का जिक्र नहीं है, ये तो दुनियादाराना बात है, लेकिन मकसद अच्छा है कि आप दूसरे को एहसास दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करता हूँ, कि आप मौजूद हैं, आप मेरी तवज्जो में हैं, मैं आपके बारे में कंसर्न हूँ। तो इसलिए इंसान जब कोई अच्छा मकसद दे के कोई बात करता है तो वो बात भी अच्छी कहलाती है, खास तौर पर जिससे लोगों का दिल अच्छा हो जाए, जिससे लोगों को खुशी हासिल हो, जिससे किसी को कोई फायदा पहुंचे, किसी की वहशत दूर हो जाए, किसी को कोई अच्छा मशवरा मिल जाए, तो ये सारे अच्छे मकासद हैं। तो ये बातें भी अच्छाई में शामिल होती हैं, ये भी इंसान के लिए उसकी हसनात में इजाफे का जरिया बनती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी नेकी को करते हुए उसे मामूली न समझो, अगरचे तुम अपने मुसलमान भाई को कुशादा चेहरे से मिलो, यानी अच्छी तरह खुशी के साथ खुश होकर हंसते मुस्कुराते हुए दूसरे को मिलो। और खैर किसी तन्हा आदमी की घबराहट उसके साथ रहकर दूर करो, यानी कोई अकेला है तो उसकी तन्हाई को दूर करने का अगर तुम जरिया बनते हो तो वो भी तुम्हारे लिए नेकी का काम है। तन्हा लोगों में सबसे ज्यादा आजकल तन्हा कौन है बताइए? तन्हा लोगों में तन्हा कौन है? माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, खानदान के बुजुर्ग, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जिनकी जॉब्स खत्म हो चुकी हैं, रिटायरमेंट हो चुकी है और वो घरों में अकेले हैं। बच्चे जॉब पे चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, सारा दिन अकेले बैठे रहते हैं, क्योंकि अब वो खुद मूव नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, मेल मुलाकात नहीं कर सकते। जब तक इंसान चलने फिरने के काबिल होता है तो वो तैयार होता है और खुद चला जाता है किसी के पास, कभी बाजार चले गए, कभी किसी से मिलने चले गए, कभी किसी की इयादत के लिए चले गए, कोई जनाजा है तो उसमें चले गए, कोई बीमार है तो उसकी खिदमत के लिए चले गए, बहुत सी चीज़ों में इंसान खुद चला जाता है। अगर बोर हो रहे हैं, दिल घबरा रहा है तो उठ के इंसान हमसायों के पास भी जा बैठता है। लेकिन जिंदगी का एक वक्त ऐसा भी आता है, एक मोड़ ऐसा भी आता है कि जब आप खुद कहीं भी उठ के नहीं जा सकते, जब आप खुद अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते, फिर आप कंपनी के लिए भी दूसरों के मोहताज हो जाते हैं। अच्छा, बाजू का ऐसा होता है कि घर में होते हुए भी वो तन्हा होते हैं, लेकिन कभी तो ऐसा होता है ना कि दूर होते हैं तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते या बार बार उनके पास जा नहीं सकते, लेकिन बाजू का ऐसा भी होता है कि वो आपके पास, आपके घर के अंदर मौजूद हैं और आप इस कदर मसरूफ हैं, आप अपने कामों में, अपनी दुनिया में, अपने दोस्तों में, अपने शुगल में, अपनी खुशियों में इतने खुबे हुए हैं कि आपके पास उनके लिए वक्त ही नहीं है कि आप उनका हाल पूछें, आप 2 मिनट उनके पास बैठ के उनके साथ चाय पी लें, नाश्ता भी उनके साथ कर लें। वो खुद मेज पे नहीं आ सकते और आप अपने बच्चों में मसरूफ हैं, नहीं तो ऐसे तन्हा लोगों का भी हक है। और खुसूसन जब उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए, मसलन आपके माँ और बाप दो हैं तो वो फिर भी कुछ ना कुछ कंपनी होती है उनकी, लेकिन जब उनमें से कोई एक फौत हो जाता है तो वो दूसरा बुजुर्ग शख्स बहुत ज्यादा तन्हा हो जाता है। फिर बसा होता है तो उसके मिजाज के अंदर चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, और उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता। फिर उसकी बात एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है और जब कोई पूरा नहीं करता तो नाराज भी हो जाते हैं, क्योंकि सेंसिटिव हो जाते हैं ना बुजुर्ग, तो वो छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगते हैं। तो फिर उनकी नाराजगी सहना और फिर भी उनके साथ अच्छा करना, तो ये ईमान की अलामतों में से है। इसी तरह जरूरी नहीं कि वो हमारे रिश्तेदार हों, ये भी हो सकता है कि वो हमारे नेबर्स में हों, ये भी हो सकता है कि वो नॉन मुस्लिम्स हों। मुझे एक बार किसी ने बताया, वो सोशल वर्कर हैं और वो बूढ़े लोगों के साथ काम करती हैं। तो मैंने जब उनके काम की तफसीलात पूछी तो मेरा दिल दहल गया। ये यूपी की बात है। वो कहते हैं कि मैं मुख्तलिफ लोगों को शाम के वक्त जाकर विजिट करती हूँ, इन बूढ़े लोगों को, उनको रात की आखिरी फीड देती हूँ, उनका टेम्पर चेंज करती हूँ और फिर उसके बाद उनको 7 बजे बेड में लिटा देती हूँ। और वो बिल्कुल घर में अकेले होते, कोई दूसरा इंसान पास नहीं होता। और बाजू पर वो रोते भी और कहते हैं कि इतनी जल्दी हमने नहीं सोना। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कहते हैं इतनी जल्दी बेड में नहीं जाना, जल्दी ना सोना। लेकिन ज्यादा वो कहते हैं हम तो ड्यूटी पर होते हैं, हम कितनी देर उनको कंपनी दे सकते हैं, हम कितनी देर उनके पास बैठ सकते हैं। और फिर वो होते हैं और अकेली रातें होती हैं। और बाजू का सर्दियों में तो बहुत लंबी लंबी रातें होती हैं, फिर दिन चढ़ के नहीं देता। तो इस कदर तकलीफ हुई कि सारी जिंदगी इतनी एक्टिव गुजारी, माशरे की खिदमत, लोगों की, अपनी जात की ऐशो इशरत करते हुए, लेकिन बुढ़ापे में कोई पूछने वाला नहीं। तो ये एक तब्दील का भी बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि अगर आपके नेबरहुड में ऐसे लोग मौजूद हैं तो आप उनको देख सकते हैं, कोई एक टाइम फिक्स कर सकते हैं उनके पास बैठने का, उनको अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं ताकि उनकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा ईमान के साथ गुजरे, ईमान पर उनकी मौत आए। ये कितनी बड़ी नेकी होगी। तो क्यों इसको ईमान का हिस्सा करार दिया गया? तो मन का तो इसमें यह भी है कि आपकी जरूरत है कि जब आप किसी के पास जाएं तो फिर आप उनको परेशान न करें, उनसे ऐसी बातें ना करें कि जिससे उनके मन भरे हो जाए। ऐसी बातें मत पूछें कि जो उनके लिए तकलीफ दे, क्योंकि बाजू में हम किसी के पास बैठते हैं तो हम उनके बेटी बहू की बुराइयां याद कराने लगते हैं। हमें तो आप पर बड़ा तरस आता है, आपके बच्चे तो बड़े ही ना हैं, वो तो पूछते ही नहीं आपको, वो तो आपका ख्याल ही नहीं रखते, वो कहाँ होते हैं, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें वैसे। इस किस्म की बातें शहर में आती हैं, क्योंकि अब बच्चों की क्या मजबूरियां क्या नहीं वो तो उनको भी पता है, लेकिन इस तरह की बातें करके आप उनका दिल दुखी कर देंगे, इससे वो खुश नहीं होंगे। तो इसलिए जो कोई ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात करे जिससे किसी का भला हो और जिससे किसी को खुशी नसीब हो, जिससे किसी की दुखती रात में हाथ रख दिया जाए, वो बिलबिला उठे, तो उन बातों से परहेज करना चाहिए। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, तो दिल खराश बातें नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरह यह है कि पड़ोसी जो है उनमें से भी ज्यादा हकदार वो पड़ोसी हैं जो घर के ज्यादा करीब हो, उनका हक उतना ही ज्यादा है। हजरत आयशा कहती है कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरे 2 पड़ोसी हों तो हदिया किसे दे, किसे तोहफा दे? आपने फरमाया, जिसका दरवाजा तुमसे ज्यादा करीब हो। यानी जो तुमसे जितना ज्यादा करीब है, मतलब 2 बिल्डिंग्स हैं, तो अपनी बिल्डिंग के लोग ज्यादा हकदार हैं बनिस्बत इसके कि आप दूसरी बिल्डिंग में जाकर किसी की इजाजत करें, इल्ला ये कि कोई आपका रिश्तेदार हो, तो रिश्तेदारी की वजह से उसका हक कुछ ज्यादा हो जाएगा। फिर इसी तरह यह है कि बाजू का एक शख्स का अखलाक आपसे बहुत अच्छा होता है या उसका एहसान आप पर ज्यादा होता है, दूसरे का वो मामला नहीं होता, तो फिर हमारा दिल क्या चाहता है कि हम उसके पास जाएंगे जो हमारे साथ अच्छा करे, और उससे अवॉइड करने लगते हैं कि जिनके अखलाक अच्छे नहीं होते। लेकिन यह है कि इंसान फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करता रहे कि वो अपना फर्ज पूरा करे, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका नेक्स्ट डोर नेबर हो वो आपको पसंद ना हो, लेकिन 4 घर छोड़ के जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हक इसका ज्यादा है। तो हमें ये सब कुछ अल्लाह की खातिर करना है, सिर्फ बदले के तौर पर नहीं करना कि कोई हमारे साथ अच्छा है तो फिर हम उसके साथ अच्छा करेंगे। तो इसलिए हमें जो भी एक मारूफ तरीका है उसके मुताबिक पड़ोसी की इज्जत करनी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। और इसी तरह मेहमान के साथ, तो मेहमान कौन होता है? जैसे कोई मुसाफिर आपके घर आपको ठहरे, खा आपका रिश्तेदार हो, खा आपके दोस्त हो, या वो किसी अपने काम से आए हों। और इसमें भी आप देखिए कि खा होटल्स मौजूद हो, खा गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस वगैरह शहर में मौजूद हो, लेकिन फिर भी अगर कोई शख्स आपके पास आता है, आपके पास रहता है किसी भी वजह से, तो उसके साथ उसके सलूक ईमान का हिस्सा है। यानी जो जितना अच्छा होगा उसके साथ, उसका ईमान उतना ही अच्छा होगा। हदीस एक दफा फिर सुन लेते हैं ताकि हदीस के अल्फाज याद हो जाए। ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه। तो हदीस से हमें बहुत से अच्छे अच्छे फायदे हासिल हो रहे हैं, जिनमें सबसे पहला फायदा ये कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिखा रहे हैं कि खैर के अलावा खामोश रहना लाजिम है। अच्छी बात के अलावा दूसरी बात मत करो, यानी जो अच्छी ना हो, चाहे वो ही जाते ही बुरी हो, चाहे वो बुरे मकसद के लिए ही जाते ही बुरी। क्या जैसे चुगली, गीबत, झूठ, किसी को ताना देना वगैरह वगैरह। और बाज़ वक़्त अच्छी बात होती है लेकिन मकसद बुरा होता है। मकसद किसी को सुनाना होता है, मकसद किसी को ताना देना होता है, मकसद किसी को अजियत देनी होती है। तो हाँ, वो जुमला बज़ाहिर ग्रामर के लिहाज से भी दुरुस्त हो और शरीयत के लिहाज से भी दुरुस्त हो, लेकिन अगर नीयत दुरुस्त नहीं तो वो उसकी वजह से उसका अजर नहीं। तो इंसान को इससे भी बचना चाहिए, वरना खामोशी बेहतर है। एक तीसरी किस्म की बात भी होती है जो ना खैर होती है ना शर होती है, और वो लफ्ज़ बात होती है, बेमकसद, फजूल। तो खैर की बात तो मतलूब है, तो करनी चाहिए, ये खामोशी से बेहतर है। जैसे इस वक्त हम बात कर रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये लाजिम है कि पहुंचाई जाए। दूसरी बात शर की बात जो हराम है करना, जैसे झूठ बोलना या किसी की ग़ीबत करना, बैकबाइट करना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना या किसी को हर्ट करना। और तीसरी बात लहू बात है जिसमें ना खैर है ना शर है। इंसान का लहू बात करना अगरचे हराम नहीं, मगर बेहतर है उससे खामोश रहा जाए। यानी जिस बात में फ़ायदा नहीं और नुकसान भी नहीं, तो उन बातों को कम से कम किया जाए। कहा जाता है कि जब गुफ्तगू करने की कीमत चांदी हो और खामोश रहने की कीमत सोना हो, तो फिर खामोश रहना बेहतर है। और बाजू का हम लफ्ज़ बात कर रहे होते हैं जिसके करने में कोई खास मकसद नहीं होता, ऐसे बोले चले जाते हैं, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर वो, उसने ये कहा, उसने यूँ कहा, और मकसद कुछ भी नहीं, सिर्फ कहानी बनाना, ऐसे ही एंटरटेन करना लोगों को। तो उस सूरत में बाज़ बातें इंसान के मुँह से ऐसी निकल जाती हैं जो उसको बड़ी मुसीबत पर डाल देती है। बज़ाहिर उस वक्त उसका कोई नतीजा नहीं निकला, ना वो खैर है ना शर है, ना वो अल्लाह का जिक्र है, ना कोई खैर की बात है, ना ही उसमें किसी का कोई नुकसान है। लेकिन करते करते शैतान जबान से ऐसा कलमा निकलवा देता है, इंसान ऐसे फिसलता है कि बाज़ औक़ात कोई अपना राज दे बैठता है, बाज़ औक़ात कोई ऐसी बात कह देता है जो दूसरा उसको पर्सनल ले लेता है, अपनी ज़ात पे ले लेता है, हालांकि आपने उसको नहीं कही होती। तो इसलिए बहुत ज्यादा शोर करना, बातें करना और बातें करते चले जाना, ये इंसान के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि बात जब जबान से निकल जाए तो ये ऐसे ही है कि जैसे तीर आपकी कमान से निकल गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। आप बाजू का एक ऐसी बात कह देते हैं जिससे दूसरा तकलीफ में आ जाता है। आप सौ भी उसे कहते हैं, अच्छा मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी, लेकिन होता क्या है, वो कहते मैंने माफ कर दिया, लेकिन फिर कुछ दिन बाद उसको वही बात चुभने लग जाती है। अच्छा इसने मुझे फलां वक्त में ये कहा था। आप उसके सामने आते तो उसको फौरन वो बात याद आ जाती, आप उसका नाम सुनते तो आपको फौरन वो बात याद आ जाती। सब खैर हर चीज़ भूल जाते हैं, बस वो जो एक आपने किसी को कुछ ताना दिया होता है या कोई बुरे भला कहा होता है, वो उसको याद रह जाता है। तो इसलिए इंसान को मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए और लफ्ज़ से भी परहेज करना चाहिए, और सिर्फ वहाँ गुफ्तगू करनी चाहिए जहाँ गुफ्तगू करना बेहतर हो। हमारा दीन हमें ये बताता है कि ज़बान इंतहाई बाबरकत या इंतहाई मनहूस चीज़ है। ज़बान बहुत बाबरकत यह बहुत मनहूस चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आदमी की इंतहाई बाबरकत और इंतहाई मनहूस चीज उसकी अपनी जबान है। यानी इंसान के लिए अगर खैर के दरवाजे खुलते हैं तो वो भी बाज़ात एक अच्छी बात के जरिए, और बाज़ात इंसान के लिए शर के दरवाजे खुल जाते हैं तो वो उसकी अपनी ही जबान के इस्तेमाल की वजह से। असद बिन असलम कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई वसीयत फरमाई। आपने फरमाया, अपने हाथ को काबू में रखो, हाथ को कंट्रोल में रखो। मैंने अर्ज किया, अगर मेरा हाथ काबू में ना रहे तो फिर मेरे काबू में क्या चीज रह सकती। आपने फरमाया, जबान को काबू में रखो। पूछने लगे कि अगर मेरी जबान काबू में ना रहे तो फिर मैं क्या करूँ। फरमाया, फिर तुम अपने हाथ को भले काम के लिए बढ़ाओ और अपनी जबान को भली बात के लिए। यानी अगर इस्तेमाल करना ही है तो फिर इनके लिए कोई प्लानिंग करो कि अच्छे काम कौन से करने हैं। यानी हाथों से क्या क्या अच्छा करना है, क्या लिखना है, क्या बनाना है, किसी को खिदमत करनी है, कोई फायदा पहुंचाना है। ये इसी तरह जबान से फिर क्या करना है आपने। यानी कुछ लोग होते हैं ना कि वो चुप रह नहीं सकते, कुछ लोग फितरतन खामोश होते हैं, वो कम लोग होते हैं, कम बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनकी आदत होती है बोलने, उन्होंने कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हल बता दिया गया कि अगर तुम्हें बहुत बोलना है तो फिर अपने लिए कोई ऐसी प्लानिंग करो कि जिससे खैर की बात तुम्हें मिले, यानी तुम्हारे मुंह से खैर की बात निकले। वरना तो क्या है कि इंसान अपनी ही जबान के हाथों नुकसान उठा जाता है। यानी कोई सांप बिच्छू इंसान को इतना नुकसान नहीं देता जितना खुद उसकी अपनी जबान से निकले हुए गलत अल्फाज नुकसान देते, जो उसके लिए हलाकत का बायस बन जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि हजरत अबू बकर अपनी जबान को खींच रहे, तो हजरत उमर ने उनसे पूछा कि ऐ मोमिनों के खलीफा, ऐ खलीफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ये मुझे हलाकत गाहों की तरफ ले जाती। अबू बकर, जिनसे बड़ा तकवा उम्मत में किसी को भी नहीं, सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाले, तो कहते हैं कि मुझे ये हलाकत की तरफ ले जाती है, इसकी वजह से मुझे बहुत से नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो अगर अबू बकर का ये हाल था रज़ियल्लाहु अन्हु, तो हमारा क्या हाल हो सकता है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह ताला से जबान की तेजी की शिकायत करता है। बाकी आजाद जो है वो जबान की वजह से परेशान होते हैं कि गड़बड़ तो जबान करेगी लेकिन सजा सारे जिस्म को मिलेगी। इसलिए या तो इंसान इसको कंट्रोल में रखे या फिर इससे अच्छे काम ले। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जब इब्ने आदम सुबह करता है तो उसके जिस्म के सारे आजाद जबान से कहते हैं कि हमारे मामले में अल्लाह से डरो, अगर तुम सीधे रही तो हम भी सीधे रहेंगे, अगर तुम टेढ़ी होगी तो हम भी टेढ़े हो जाएंगे। फिर इसी तरह सहाबा जो थे वो अपनी जबान को खुद खिताब करते थे, खुद मुखातिब करते और खुद को नसीहत करते, यानी अपने आप को नसीहत सुनवाते। शकीक बयान करते हैं कि अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने सफर पहाड़ी पर तलबिया पढ़ा और कहा, ए जबान, खैर व भलाई पर मुश्तमिल काम करना, ऐ ज़बान, खैर भलाई पर मुश्तमिल कलाम करना, कि तू गनीमत हासिल कर ले तो खामोश रहा कर, ताकि सलामत रहे और गदामत न हो। लोगों ने पूछा, अब्दुर्रहमान, ये कलमात तो अपनी तरफ से कह रहे या किसी और से, यानी क्या किसी से सुने हैं तुमने, खुद सिर्फ अंदर से बोल रहे हो या किसी और के दौरा रहे। उन्होंने कहा, किसी से नहीं सुने, हाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है इब्ने आदम की अक्सर खताएं उसकी जबान की वजह से होती। यानी अगर गुनाहों को गिना जाए तो आप देखिए, मसलन कुछ गुनाह कान से होते हैं, इंसान को ऐसी बात सुन लेता है, वो दिन में कितनी बातें सुन लेता है किसी की। जब आप किसी के पास बैठे किसी से सुनेंगे तो कोई सुनाएगा तो कान से गलत बात अंदर जाएगी। तो आंख से कितनी गलत चीजें देख सकते हैं, हराम चीजों को देखना मना है आंख से। आप बाजार निकलेंगे तो बहुत तस्वीरें होंगी तो तभी आपकी नजर उस पर पड़ेगी और वो भी आप देख लेंगे। घर में बैठे हुए तो आप ना टेलीविजन लगाए तो कोई मसला नहीं। फिर इसी तरह हाथ से आप ज्यादातर जो काम करते हैं, दिन भर की रूटीन देखें तो उनमें हार्डली कोई ऐसी चीज होती है जिससे आप हाथ से किसी को नुकसान देते हैं। इल्ला ये कि वो माएँ जो बच्चों को बिला वजह मारती हैं, वो मानना नहीं चाहिए, वो हाथ पर गुनाह है। या ये कि इंसान किसी को ताने दे और उंगलियां उठाए और किसी की तरफ पॉइंट आउट करे तो ये फिर हाथ की बुराई हो जाती है। इसी तरह पाँव से चल के कहीं गलत काम के लिए जाना ये भी रेयर होता है। सबसे ज्यादा आसानी से क्या चलता है जो पाँव से भी ज्यादा और हाथ से भी ज्यादा तेजी से चलता है वो इंसान की जबान होती है। इसलिए उसको कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है और सबसे ज्यादा गुनाह भी इसी से ही होते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बात को करने से बचो जिस पर माजरत करना पड़ती है। उस बात को करने से बचो जिस पर माजरत करनी पड़ेगी। तो फिर इंसान अपने लिए अच्छी अच्छी बातों के प्रोग्राम बनाए, अच्छी बातें करने के प्रोग्राम बनाए। तो कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बोलने की बड़ी खास सलाहियत दे रखी है और उन्हें अपनी सलाहियत का पता भी होता है, लेकिन ये नहीं पता होता इसे इस्तेमाल करना करें। तो उनके लिए खासतौर पर ये नुकते जो मैं बयान करने लगी हूँ फायदे के, लेकिन आपको बोलने में ढंग आता हो और आप एक अच्छे स्पीकर और आप दूसरों के साथ अच्छी तरह कम्युनिकेट करना चाहते हैं और आप बात करना और बात सुनना भी पसंद करते हैं, तो फिर क्या करें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में देखिए कि जब कोई अच्छी बात करता है तो फिर वो किस किस तरह फायदा उठाता है और किस किस तरह नुकसान से अपने आप को बचाता है। सबसे बड़ा फायदा अच्छी बात करने का ये है कि अच्छी बात करना सदका है। बाज़ात इंसान माल से सदका नहीं कर सकता। अब ये सदका कैसे बनेगा? सदका उस सूरत में कि आप जो बोलें उससे किसी को या फायदा पहुँचे, या वो अल्लाह के करीब, या वो आखिरत की फिक्र करे, या वो कोई अच्छी नई बात सीख जाए, या उसके दुनिया के किसी काम में आसानी हो जाए। या अगर आप देख रहे हैं कि इस वक्त दूसरे को सुनाना फायदामंद है तो खामोशी इख्तियार करें, समा खराशी से दूसरे को बचाएं। यानी आपके अच्छा बोलने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त खुद बोलते चले जाएं, यानी अपनी इस सलाहियत से अन्य या नाजायज फायदा उठाएं। तो इससे भी बचना चाहिए कि आप दूसरे को इतना सुनाएं कि दूसरा आपसे बेजार हो जाए, चाहे वो अच्छी बातें करो। तो अच्छी बातें भी हिकमत के साथ की जाए, इतनी की जाए जितनी दूसरा डाइजेस्ट कर सके, क्योंकि बहुत लंबी बातें भी दूसरे को बड़ा बोझ बन जाती है। अब मसलन आप देखेंगे अगर आपको एक वक्त में बहुत सारा खाना खाना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप सिक हो जाएंगे, आप थ्रो कर देंगे। यही हाल बातों का है। अगर एक वक्त में कोई आपसे बहुत ज्यादा बातें कर ले तो आप सिक हो जाएंगे, चाहे वो अच्छी बातें क्यों ना। तो अच्छी बात सदका है, लेकिन बस सुन्नत की हदूद में रहते हुए, यानी थोड़ी बात, मुख्तसर बात, काम की बात। फिर अच्छी बात कहने का फायदा यह है कि ये अच्छी बात आपसे बचा सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तक़ुन नार वलौ बिशिक़्क़ि तमरतिन फ़इन लम तजिद फ़बिकलिमतिन तय्यबतिन। बुखारी की रिवायत है। आपने फरमाया कि जहन्नम से बचो अहदी खजूरी सदका करके, और अगर किसी को यह भी मयस्सर ना हो तो अच्छी बात करके, क्योंकि सदका है ना अच्छी बात। तो इंसान क्या करे? सदके में किसी को कुछ खाने को दे, लेकिन अगर खाने को नहीं है तो फिर किसी को अच्छी बात करके उसका दिल कुछ कर दे। इसी तरह एक अच्छी बात इंसान के जन्नती होने का फैसला कर सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अल्लाह की रजामंदी के लिए एक बात जबान से निकालता है, उसे कोई अहमियत नहीं देता, मगर इसी की वजह से अल्लाह उसके दर्जे बुलंद कर देता है। और एक दूसरा बंदा एक ऐसा कलमा जबान से निकालता है जो अल्लाह की नाराजगी का होता है, उसे वो कोई अहमियत इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन उस बात की वजह से वो जहन्नम में चला जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बात बताई और ये बड़ी अहम बात है, ये मामूली बात नहीं है, इसलिए हमें इसके बारे में मोहतात रहने की जरूरत है। एक बात हम तो बेच सोचे समझे बोलते ही चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अल्लाह को राजी करने वाली एक बात कहता है और वो नहीं समझता कि उसका असर वहां तक होगा जहां तक वो हो जाता है। एक बात का नतीजा इतना दूर दूर तक पहुंचता है, बाज़ औक़ात कई घर बर्बाद हो जाते हैं, बाज़ औक़ात दोस्तों में दुश्मनियां पड़ जाती हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फितने फसाद हो जाते हैं। तो वो बात जो है वो दूसरों के लिए, और फिर सिर्फ ये नहीं जो ज़ाहिरी असर या नुकसान हुआ, उसके बाद जो और नुकसानात होते हैं उनको तो हम गिन भी नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ जैसे रिपल इफेक्ट होता है कि आप पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो उसका असर सिर्फ उस जगह नहीं होता जहाँ पत्थर जाके पड़े, उसका असर फैलना शुरू हो जाता है और रिपल्स बनते 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 दूर तक चले जाते हैं। उनमें छोटी सी जगह जहाँ पत्थर गिरा और उसने सारे तालाब को हिला के रख दिया, तो बाज़ात एक बात पूरे घराने को हिला के रख देती है। तो इंसान को इसको बहुत एहतियात की जरूरत है। इसी तरह अच्छी बात मगफिरत और जन्नत वाजिब करने वाली है। हदीस में आता है सलाम करना, अच्छा कलाम करना ऐसे अमाल हैं जो बख्शिश को वाजिब कर देते, यानी इंसान की बख्शिश लाजम हो जाती है। फिर इसी तरह हानि बिन यजीद कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज़ जन्नत को वाजिब करती है, यानी किस तरह हम जन्नत में जा सकते हैं। आपने फरमाया बस तुम उम्दा कलाम और खाना खिलाने को लाजिम करो, यानी लोगों से बातें भी अच्छी करते जाओ और उनको अच्छे अच्छे खाने भी खिलाते जाओ, ये चीज़ जन्नत को वाजिब कर देती है। लेकिन हम बाज़ों का खाने में बुला लेते हैं और खिला भी देते हैं, लेकिन उसके साथ बातें ऐसी करते हैं कि जो दूसरे को बिगाड़ देने वाली होती है, क्योंकि बातें जो है वो बाज़ों का अच्छी भी होती हैं लेकिन बेजान होती है। जैसे किसी बच्चे की इतनी तारीफ कर देना कि वो भूल जाए और अपनी पढ़ाई छोड़ दे, या उसको इतना डांट डपट देना, इतना कोस देना कि वो बिल्कुल ही अपने बड़ों से भागना शुरू करें। आपने देखा होगा कई बच्चे बुजुर्गों से टकराते हैं, वो उनके पास भी बढ़ते हैं, अलग उतना प्यार करते हैं, बुलाते हैं, आते हैं, गले लगाते हैं, वो बच्चे अकड़ के पीछे हट जाते हैं। क्या वजह होती है? क्योंकि वो डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि इन्होंने अभी को डांट देना है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों के आसार और इम्प्रेशंस पड़ रहे हैं एक यंगर जनरेशन में। जब वो बड़े होंगे तो वो उस तरह ही आपको याद करेंगे। आप देखिए कि आप अपनी दादी को कैसे याद करें, आप अपनी नानी को, हो सकता है बहुत हो चुकी, आप सोचते कि मेरी नानी ऐसी थी। क्या उनका मुस्कुराता चेहरा आपके सामने आता है या चीखता चिल्लाता? क्योंकि हर शख्स का एक आइकॉन बन जाता है, तो वही आपके सामने आता है जब उसका नाम आता है या उसकी बात आती है, या आप मुस्कुरा देते हैं या फिर आप बेजार होते हैं। तो अपने बड़ों के बारे में आपका इमेज क्या है उसको सामने रखकर देखिए कि आपका इमेज बड़ों के सामने क्या है, वाइस वर्सा। और फिर ओवरऑल आपके घराने, आपके कलीग्स, आपके खानदान और दीगर लोगों के साथ क्या मामला है। फिर इसी तरह आप देखिए कि सलामती से जन्नत में ले जाने का बायस भी अच्छा कलाम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलाम फैलाओ, यानी खुद मिलो लोगों को जाकर, उनको अस्सलाम वालेकुम कहो, अच्छी गुफ्तगू करो, सिला रहमी करो। रातों को लोग जब सो रहे हो तो तुम क़याम करो, तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। यानी क़यामत के दिन जो पुल-सिरात पार करना है और क़यामत के दिन के बहुत से घबरा देने वाले मनाज़िर हैं, उन सब में तुम बहुत सुकून से चल रहे होगे, कहीं घबराहट न होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, अमन में होगी। कौन कौन से काम है? सलाम करना, सलाम को आम करना, हर एक को सलाम करते जाना, और फिर सलाम के अलावा अच्छी बात करना, यानी सलाम के बाद हाल पूछ लें, मुमताज़ गुफ्तगू करें कि दूसरा जो है वो तकलीफ में ना आए। फिर रिश्तों को जोड़ना, और रिश्तों को जोड़ना मुश्किल काम है, आसान नहीं है, क्योंकि बाज़ों का तो रिश्ते हमसे नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो फिर हमें पहल कर लेनी चाहिए, हमें उनके साथ अच्छा कर लेना चाहिए, और अगर ना करें वो तो भी कोशिश करते रहना चाहिए।